क्या क्या बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है आदिवासियों के साथ। सोनभद्र में जो हुआ है बहुत लोग मारे गए हैं, उसकी निर्मम हत्या की गई। क्यों की गई? अपना अधिकार मांग रहे थे, जिस जमीन को वो पुश्तों से जो थे उस जमीन का कब्जा किया गया। उन्होंने वहाँ पे जब धान बोया, कब्जा करने वाले वहाँ आ गए, जब गाँव वालों ने कुछ कहा, उनको रोकने की कोशिश की, तो एकदम से उनकी हत्या करनी शुरू की। 10 लोगों की हत्या की, 3 महिलाओं की, 11 लोगों की हत्या की, उनमें से शायद 3 महिलाएं भी हैं। मैं अभी अस्पताल से आई, वहाँ 6 लोग, एक 17 साल का बच्चा है, उसको यहाँ पे गोली लगी है। उसकी माँ अगले पलंग पे लेटी है, उनको भी गोली लगी है। उनके सर पर ईंट मारा गया, लाठी से उनका हाथ तोड़ा गया। तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ है? हादसे से पहले फोन किया गया था पुलिस को, 3 दिन पहले गांव वाले गए थे कि ऐसा हो जाएगा। हादसे के दौरान बुलाया गया था, कोई मदद नहीं हुई। अब मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं पीड़ितों से मिलने गई। मैंने कहा भी अगर 144 है, मैं 3 लोगों को लेके जाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे सिर्फ उनसे मिलना है, क्योंकि उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके साथ कोई खड़ा है, कि वो अकेले नहीं है इस दर्द में, चाहे वो कोई भी हो। जब मैं मिर्ज़ापुर पहुंची, तो मुझे रोका गया कि आप मिर्ज़ापुर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, कुछ ऑर्डर दिखाइए, कोई धारा हो, कुछ होगा। मिर्ज़ापुर में उस समय कोई धारा नहीं, सिर्फ सोनभद्र में 144 थी। उसको भी मैं कह रही थी कि मैं उसका उल्लंघन नहीं करूँगी, शांतिपूर्वक जाऊँगी 3 लोगों को लेकर। तो कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई? तो जब उन्होंने कहा कि कोई आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से फ़ोन आया, तो मैंने कहा फिर तो मैं जाऊँगी, क्योंकि तो आपने मुझे कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई एक्ट नहीं दिखाया। मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब तक मैं उन पीड़ितों से, उनके परिवारों से नहीं मिलूँगी, तब तक मैं मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये हादसा हुआ, आप मीडिया वाले सारे यहाँ खड़े, ये हादसा हुआ, क्या आपने राष्ट्र मीडिया में ये दिखाया ऐसा हो रहा है? क्या गरीबों की जब हत्या होती है तो उसका कोई मायना नहीं होता? जब अत्याचार होता है तो कोई मायना नहीं होता? अरे सब बिके हुए दीदी, अरे बोलो मत यार, सब लोग शांत रहो यार, चुप रहो। मैं इसलिए आई, कि पूरा देश देखे कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है, पूरा देश देखे। एक एक बच्चा, वो 17 साल का बच्चा जो अस्पताल में लेटा है, उसके साथ देश का एक एक 17 साल का बच्चा खड़ा है। अपनी लड़ाई लड़ी है, अपनी माता पिता की जमीन की लड़ाई लड़ी है, हम आपके साथ। यही कहने के लिए मैं यहाँ